कर्नाटक और तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को भी जीतने का प्लान बना लिया है। वाईएसआरसीपी से निपटने के लिए कांग्रेस ने सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को मैदान में उतार दिया है। वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय करने के बाद कांग्रेस प्रदेश की कमान संभाल ली है और अपने ही भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने शर्मिला को रोकने के लिए उन पर कार्रवाई तेज कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में सरकार की नींद उड़ाने के लिए एक मजबूत योद्धा मिल गया है। जिस तरह से डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ी, उसी तरह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को चलो सचिवालय आंदोलन के दौरान गुरुवार को हिरासत में लिया गया था। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध कर रही वाईएस शर्मिला और अन्य कांग्रेस नेताओं को विजयवाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब आपको बता दें कि शर्मिला बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मार्च निकाल रही थी, लेकिन उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक दिया और फिर हिरासत में ले लिया। शर्मिला सरकार के खिलाफ बेरोजगारों के समर्थन में आवाज उठाने का पहले ही ऐलान कर चुकी थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से सरकार पहले से ही इतना डरी हुई थी कि शर्मिला को रात में ही डिटेन करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन शर्मिला ने सरकार से एक कदम आगे चलते हुए रात में कांग्रेस कार्यालय में ही डेरा डाल दिया। कांग्रेस कार्यालय में सोते हुए शर्मिला की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। लोगों का कहना है कि शर्मिला से उनके भाई इतना डरे हुए हैं कि छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने पर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और इसकी मुख्य वजह शर्मिला की रैलियों में जुट रही भारी भीड़ है। जो जनसैलाब कांग्रेस के पक्ष में उमड़ रहा है, उससे जगनमोहन रेड्डी घबराए हुए हैं। वहीं वाईएस शर्मिला का भी इस पूरे मामले पर अब बयान सामने आया है। वाईएस शर्मिला ने कहा है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्य सरकार मुझसे डरती है। मैं सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सचिवालय जाना चाहती थी। काफी शर्मनाक है कि महिला राजनेता के साथ ये सब किया जा रहा है। मैं वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हूँ और लड़ाई लड़ती रहूंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।